गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। कल हम आप लोगों को इससे पहले क्लास में आप लोगों को बताए थे पेवलोव की थ्योरी के बारे में कि पेवलोव की थ्योरी क्या है, किस चीज़ पर आधारित है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा किए थे। आज हम आते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंतर्गत ही, जो है हमको दो थ्योरी पढ़ना है, एक पेवलोव का और एक स्किनर का। तो आज हम आते हैं स्किनर थ्योरी पर कि स्किनर की थ्योरी क्या है। तो B.F. स्किनर के नाम से जो है वो थ्योरी का नाम जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से। इसे जो है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहते हैं, साथ ही साथ ये RS थ्योरी यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। RS थ्योरी से आपको थोड़ा सा याद आया होगा कि इससे पहले जो हम पेवलोव का पढ़े थे तो उसमें जो है S पहले यानी स्टिमुलस पहले होता है, उद्दीपक पहले होता है, बाद में रिस्पॉन्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है स्किनर की थ्योरी में कि R पहले है और S बाद में है, यानी रिस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में आता है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि स्किनर के बारे में कि स्किनर जो थे वो B.F. स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, इन्होंने अपना प्रयोग एक जीव यानी कबूतर और चूहे पर किया था। क्योंकि उनको उनका जो क्रिया होता है उन क्रियाओं का अध्ययन इन्होंने किया था कि चूहे पर जो उन्होंने प्रयोग किया और कबूतर पे वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं, ये उनका अध्ययन का विषय था। तो उनके अनुसार क्योंकि जानवर या मानव जो होते हैं उनके जो ऐच्छिक कार्य होते हैं वो स्वतः होते रहते हैं, उन्हें व्यवहार में जो है वो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने बताया कि जो ऐच्छिक कार्य वो करते हैं चाहे वो मानव हो या फिर जानवर हो, तो उसका जो व्यवहार होता है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा। सबसे पहले भागों में बांटा उनका रिस्पोंडेंट बिहेवियर के बारे में, यानी रिस्पोंडेंट यानी जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, आप व्यवहार से वो प्रदर्शित करते हैं, जो आप क्रिया करते हैं उद्दीपन के माध्यम से होती है, तो उसे वो भोजन देख करके लार का टपकाना, यानी कि जब भोजन देख करके लार का टपकना है वो क्या है, वो रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से उसके व्यवहार में वो रिस्पॉन्स दिखता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ऑपरेंट बिहेवियर, यानी जो आप क्रिया करते हैं जो अनुक्रिया बिना किसी उद्दीपन का किया जाता है वो होता है ऑपरेंट बिहेवियर, यानी बिना किसी लालच के हम जब कोई कार्य करते हैं, जैसे चलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, जानवर का क्या होता है अच्छी कार्य, नोचना, खसोटना, सूंघना इत्यादि। तो स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर को ही सीखने का आधार माना है। तो इनके अनुसार जो है उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है, पहले अधिगमकर्ता जो सीखने वाले होते हैं उनको अनुक्रिया वो करने देता है, वो अपना रिस्पॉन्स देता है, वो अनुक्रिया करता है और उस अनुक्रिया के बदले में उसे उचित ढंग से अगर वो सही सही अपनी अनुक्रिया को करता है तो उसके बदले में वो क्या देते हैं, उसको रिइंफोर्समेंट देते हैं यानी पुनर्बलन देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि अनुक्रिया पहले होती है और रिस्पॉन्स उसको उसका जो स्टिमुलस है वो बाद में आता है उसके सामने में। तो पुनर्बलन को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है। पुनर्बलन को उन्होंने दो भागों में कैसे बांटा है कि सबसे पहला है कि पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। अगर जब अनुक्रिया जो है वो अनुक्रिया की जब संभावना जो है वो जब बढ़ जाती है, जब हम कोई काम करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करने लगते हैं तो क्या होता है, हम उसको पुरस्कार या सम्मान देते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और जब हमारी अनुक्रिया की जो संभावना कम हो जाती है, जब हम कोई सही कार्य नहीं करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है। तो इस तरह से स्किनर ने इसे दो भागों में बांटा है। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रयोगों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।